मंगलवार 28 सितंबर को सुबह 8 बजे नांदेड़ से नागपुर जा रही नागपुर जीपो की एसजी बस क्रमांक MH14BT5018 उमरखेड़ पुसद मार्ग पर स्थित दहागांव के पुल से गुजर रही थी। सोमवार रात को हुई भारी बारिश की वजह से मंगलवार सुबह 8 बजे दहागांव की नदी पर बने पुल से बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था। ऐसे में एसजी ड्राइवर सुरेवार ने इस पुल से बस निकालने का जोखिम उठाया, लेकिन पानी के तेज बहाव से पुल के रास्ते से हटकर बस नीचे नदी में खिसक गई और मानो देखते ही देखते बस बहते गहरे पानी में डूब गई। सूत्रों ने बताया कि बस में कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा 3 से 4 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर सुरेवार और कंडक्टर की मौत हो गई है, वहीं अन्य दो यात्री भी जल समाधि को प्राप्त हुए हैं। खबर लिखने तक हाथ आई जानकारी के अनुसार उक्त घटना में 4 लोगों की मौत के साथ ही दिग्रस के स्वामी नामक यात्री को बचा लिए जाने की सूत्रों से जानकारी मिली है। 5 पैसेंजर कनेक्टर जा रहे थे। बस किती अंतर आहे? घटना का पता चलते ही उमरखेड़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा शुरू किया। वहीं उमरखेड़ डिपो मैनेजर भदाड़े सहित जगताप महाव्यवस्थापक राजगुरे राठौर मेशराम आदि अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।